सबसे पहले राष्ट्रपति महोदया और उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी। आज अटल जी की बहुत याद आ रही है, पधारी हैं। सबसे पहले उनके कर कमलों द्वारा श्रद्धेय अटल जी की बहुत याद आ रही है। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। सचमुच कहीं खो गई है वो पवित्र ओस की बूंद। माननीय राष्ट्रपति महोदया, अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी को, हमारे दिलों में प्रेरणा की लौ जलाकर श्रद्धेय अटल जी चले गए। ये प्रेरणा जो लौ उन्होंने जगाई है हम सबके हृदय में, वो राष्ट्र प्रेम की मशाल बन गई है और न्यू इंडिया उन्हीं आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, पुनः नतमस्तक श्रद्धेय अटल जी के प्रति। और अब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। राष्ट्रपुरुष, भारत के रत्न, युग पुरुष श्रद्धेय अटल जी को पुष्पमय श्रद्धांजलि माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुष्पांजलि। वे कहते थे, कितने पत्थर शेष न कोई जानता, अंतिम कौन पड़ाव नहीं पहचानता, अक्षय सूरज अखंड धरती, केवल काया जीती मरती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए श्रद्धेय अटल जी को, भावांजलि, स्मरणांजलि, कार्यांजलि प्रकट कर रहे हैं। और अब पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के द्वारा श्रद्धा सुमन, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, माननीय गृहमंत्री जी, यहाँ पर श्रद्धेय अटल जी के परिवार के सदस्यगण भी मौजूद हैं, आदरणीय नमिता जी और आदरणीय रंजन भट्टाचार्य जी।